अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीत से होंगे, अपने प्यारों के साथ हैप्पी होंगे, चिल मार रहे होंगे। तो जरा मैं हूँ अली, आप कौन है ये आप कमेंट के अंदर बताएंगे। सबसे पहला काम तो ये करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले और ठा कर गए। दूसरे नंबर पर फ्रेंड, आज जो है ना जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बहुत ही नेक दिन है, बहुत ही नेक दिन है। और बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आप लोगों के दिल की तमाम नेक मंशा पूरी हों इस दिन नेक दिन के सदके। और आप लोग का जिस भी मंजिल पे जाना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी उस मंजिल को पा लें और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। और जो लोग यहाँ हमारे तरह यूट्यूब के ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इन सबको अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी जाना कामयाबी अता फरमाए, बहुत सारी दुआएं हैं। और यार यहाँ पे मिनिमम कोई 3 दिन हो गए थे मैं नहीं आ रहा था, और ये जो अंकल हैं जिनके यहाँ मैं आता हूँ, इनके हाथ की चाय जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा रुलाती है। अगर मैं इनके हाथ की चाय नहीं पीता ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। कहते हैं ना कि कोई इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है ना, दिल की बात होती है। और किसी के हाथ का जायका ऐसे होता है, जैसे इंसान घर के खाने खाता है ना तो उनका एक अलग जायका होता है, और होटल के खाने खाता है वो एक अलग जायका रखते हैं, ठीक है। और ये जो अंकल है ना यहाँ पे, ये दूध नहीं है, चले वो गाड़ी का खोल के ना उसमें से वॉलेट में से 100 रुपया उठा ले लेके आ जाए। तो ये है कि ये बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज मैंने कहा चलो उनको साथ साथ जो है ना जुम्मा पढ़ने जाता हूँ तो उनको भी साथ ले जाता हूँ, इस अंकल को जिनके यहाँ मैं आया हूँ, जिनका ये छोटा सा घर है। ये घर मैं आप लोगों को कब का ये दिखा चुका हूँ। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये मुझे इस बात से मना करते हैं कि बेटा आप मैंने कैमरे में नहीं आना और मेरा जो घर है वो ना दिखाएँ, इस तरह करके साफ ज़ाहिर है टूर सिस्टम होते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। ये भी शारदा के अंदर एक मशहूर जगह है, यहाँ पे इनका घर है। लेकिन मैंने इनको ये भी बोला है कि अगर आप लकड़ी का घर बनाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, और जैसे और लोगों के लकड़ी के घर हैं आप लकड़ी का घर बनाएं। तो इनका कहना है कि गर्मियों में ना वो बहुत ज़्यादा फिर उसके अंदर गर्मी लगती है, गर्म हो जाता है, इस वजह से मैंने ये मिट्टी का घर बनाया हुआ है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त घर है, बहुत अच्छा। मुझे जो है ना दिली सुकून मिलता है जब मैं बेचैन सा होता हूँ ना, तो मैं इसी जगह पर आता हूँ, एक चाय का कप लेता हूँ, इनसे पीता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बहुत पुरानी हिस्ट्री, बहुत पुरानी बातें मुझे जो है ना मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे गाइड करते हैं, यानी कि मुझे मोटिवेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कैमरे में नहीं आते हैं, कहते हैं कि मुझे कैमरे में नहीं आना, तो ठीक है, किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। बाकी ये है कि आज कोटली बाज़ार है जो कि आज़ाद कश्मीर का, उसके अंदर थोड़ा सा जाते हैं, सैर सपाटा करते हैं। और आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और चल के जो है ना कोटली बाज़ार की सैर करते हैं, आज देखते हैं कि कोटली बाज़ार के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कोटली बाज़ार में रश है कि नहीं है। जैसे कि ईद आने वाली है और वह क्या कहते हैं, ईद आ गई और मेरा यार ना आया, वो पता नहीं किस किस का केस चल रहा है उसके बारे में। मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा कोई ऐसा फैन नहीं चल रहा किसी के साथ, लेकिन ये है कि चलते हैं ज़रा बाज़ार में और देखते हैं कि ईद के हवाले से लोग वहाँ पे क्या रिएक्शन है लोगों का, शॉपिंग करने आए हैं कि नहीं आए। चल के जरा मजा करते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या?